व्हाट इज़ अ robots.txt फाइल। robots.txt फाइल बेसिकली हमारी वेबसाइट की वो फाइल होती है जहाँ पे हम वो पेजेस मेंशन करते हैं या फिर वो डेटा मेंशन करते हैं जहाँ तक हम नहीं चाहते कि हमारा क्रॉलर हमारी वेबसाइट में जाए। जैसे हमारा क्रॉलर हमारे बहुत सारे पेजेस को इंडेक्स करता है, पोस्ट होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, पेजेस होते हैं, उसी तरह से हमारी वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, जैसे आपके पेमेंट गेटवे पेजेस होते हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल के पेजेस होते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते कि क्रॉलर लेके जाए और गूगल पे दिखाए, उनको हम क्रॉलर को मना करने के लिए कि आपको उन पेजेस का डेटा नहीं लेना है, वी यूज़ robots.txt फाइल। लेट्स फर्स्ट सी की robots.txt फाइल दिखती कैसे। किसी भी वेबसाइट का अगर आपको robots.txt फाइल देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें Amazon का देखना है, तो amazon.com/ जैसे हमने साइट मैप में किया था, इस तरह इसी में भी हम उसमें लास्ट में ऐड करेंगे robots.txt। जैसे आप ये URL एंटर करोगे तो ये वो सारे पेजेस हैं जो Amazon ने Google के क्रॉलर को या फिर किसी भी वेबसाइट के सर्च इंजन के क्रॉलर को मना कर रखा है कि आप इन पेजेस को क्रॉल नहीं कर सकते। नाउ इसको क्रिएट करने के लिए वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस जो हमने साइट मैप बनाने के लिए यूज़ की थी। जैसे साइट मैप हमने कैसे इंस्टॉल किया था, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था ऑल इन वन SEO, तो सेम प्रोसेस हम वापस फॉलो करेंगे। हम प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऑल इन वन SEO सर्च करेंगे। सिंस इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, फिर भी हम एक स्टेप चेक करने के लिए हम वापस उसको प्रोसेस कर रहे हैं। सो जैसे ही मैं ऑल इन वन SEO सर्च करूँगा यहाँ पे वो प्लगइन आ जाएगा ऑल इन वन SEO। अभी राइट नाउ इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे ये एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसको इंस्टॉल करना है एंड देन एक्टिवेट करना है। आफ्टर दिस हम वापस ऑल इन वन SEO में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास टूल्स करके एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप टूल्स में जाओगे, सो सी जैसे ये amazon.com का है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे आप अपना साइट मैप खुद क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप करते कैसे हो, सिंस हमें सारे क्रॉलर को मना करना है तो हम हमारा यूज़र एजेंट जो यहाँ होता है उसमें हम पहले इसको इनेबल करके यूज़र एजेंट में हम स्टार मेंशन करेंगे। जब हमें कोई स्पेसिफिक क्रॉलर को मना करना होगा तो हम उसका नाम लिखेंगे, वरना हमें अगर सारे क्रॉलर्स को मना करना होगा तो हम यहाँ पे स्टार मेंशन करेंगे। देन अलाउ और डिसअलाउ, हम कौन से पेजेस को अलाउ करना चाहते हैं और कौन से को डिसअलाउ करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं अपने अभी कोई पोस्ट के पेज को अगर डिसअलाउ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डिसअलाउ पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मुझे उस पेज का URL एंटर करना है। सो दिस इफ थर्स्टी व्यू इज माई वेबसाइट, मैं पहले वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और वेबसाइट के कोई एक पेज को ओपन कर लेता हूँ जिसको मुझे डिसअलाउ करना है। तो मैं चेकआउट वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा कार्ट का URL है, मैं यहाँ तक इस URL को कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा एंड आई क्लिक ऑन एड रूल। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ डिसअलाउ में ऐड हो गया है। जैसे हमारे पास ये WP एडमिन है, ये हमने डिसअलाउ कर रखा है, कार्ट भी हमने डिसअलाउ कर दिया है और उसके बाद आपको इसको सेव करना है। अब जैसे आपने Amazon का देखा था, आप आपकी खुद की वेबसाइट का भी देख सकते हो। आपको आपकी वेबसाइट का डोमेन डालना है thirstyview.com, देन इसके पीछे भी robots.txt एंटर करना है एंड जस्ट एंटर, तो आपका जो भी robots.txt फाइल है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा।